हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स, आज आए हैं अपनी पट्टी के एक गांव में और यहां का नाम है कोटी। यहां जो है रोड से काफ़ी चढ़ाई भी है और उतराई भी है, दोनों चीज़ें हैं। और हम अभी कोटी गांव में हैं। यहां पर मौसम काफ़ी अच्छा है और एक गहरी घाटी पे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है जहाँ पर कुछ ही परिवार रहते हैं। और यहाँ का नाम है कोटी और पट्टी है डागर, जिला टिहरी गढ़वाल और राज्य है उत्तराखंड। हम आए यहाँ पर आज प्रचार करने उत्तराखंड क्रांति दल का, जो कि यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। तो अब आपको दिखाते हैं कैसा है यहाँ का मौसम है, कैसा आसपास दिखता है। तो यहाँ थकान बहुत लग चुकी है और आपको दिखाते हैं अब आसपास का सीन। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आपके लिए स्पेशली एक आग्रह करने आया हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आजकल प्रत्येक गांव में प्रचार प्रसार चल रहा है। उत्तराखंड में जो है चुनाव होने वाले हैं, तो प्रत्येक गांव में जो है प्रत्येक पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है, ठीक है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी पार्टी का प्रचार करें, लेकिन जो आपसी तालमेल है पूरे गांव का, पूरे परिवार का, पूरी पट्टी का, पूरे जिले का, ठीक है, उसको उसमें कोई दिक्कत ना आने पाए। आप किसी भी विचारधारा को समर्थन करो, किसी भी पार्टी की विचारधारा को समर्थन दो, इसमें कोई दोहराय नहीं है। ये एक चुनाव है, ये एक सही व्यक्ति का चुनाव है। हमने एक सही व्यक्ति को चुनना है इस चुनाव के माध्यम से। हमने एक सही व्यक्ति को सत्ता सौंपनी है, तो किसी के बहकाव में ना है। और ये पार्टियां जो है दो चार दिन हो अलग करके चली जाएंगी और बहुत सारे लोग इस चुनाव के चक्कर में अपने आपसी संबंध खराब कर देंगे, एक दूसरे से बैर पाल लेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, ये टांग खींचने वाला काम भी करेंगे, क्योंकि ये चुनाव है। और ये केवल दो चार दिन का मेला है और इस मेले में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही आग्रह है कि आप सब लोगों ने गांव में एक साथ रहना है, तो किसी से बैर ना पालें। जिसकी जैसी विचारधारा हो वो उस पार्टी के साथ जुड़े और उसके लिए काम करें, लेकिन जो पूरा गांव है वो एक रहे, एकजुट रहे, एक साथ रहे। और चुनाव अपनी जगह है और अपना भाईचारा अपनी जगह है, आपने अपना प्यार प्रेम एक जगह है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको एक ही विनती करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि किसी भी पार्टी का समर्थन करें, लेकिन आपस में सही रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और एक सही व्यक्ति को सत्ता सौंपने का प्रयास करें। यहाँ इस गांव की यहाँ पर सामने रोड है इतने ऊपर और यहाँ से पैदल आना पड़ता है इस रास्ते यहाँ यहाँ होके। और यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कोटी, नागरपट्टी में स्थित है। और यहाँ का रास्ता आप देख पा रहे हैं, तो फुल डिटेलिंग वीडियो देख ना, तो यूट्यूब पर यार देखिए नहीं बोलता देख बोल लिंक क्या, अबे लिंक नहीं डाली मैं, बहुत टाइम मैं तंग दूँगा। ये सोलर पैनल, क्योंकि रात में थोड़ा लाइट की व्यवस्था हो जाती है जिसके कारण। और यहाँ पर खुशी गिने चुने परिवार हैं और गांव का नाम है कोटी। और फुल
कुर्सी कुर्सी हम तुम्हारी गांव की वीडियो बनाऊंगा ना। Yeah, I'm doing good. हमारे मुखी भाई जी खाना खा चुके हैं। और उसके बाद कोटी गांव के बाद हम पहुंच चुके हैं जाखी के नीचे। एक दूसरा गांव है, इस गांव का नाम मुझे मालूम नहीं है क्या है, जाखी का ही गांव है, जाखी बोलते होंगे शायद। तो हम अभी यहां पे हैं, आपको पता हो तो कमेंट में बताना। यहाँ बस एक ही चीज़ की कमी करती है, वो है रोड। रोड आ जाए तो मज़ा आ जाए फिर, और आने वाली है कुछ ही टाइम में इधर रोड भी। और यहाँ पर है छोटी सी पुलिया इस गधेरे को क्रॉस करने के लिए। और ये रहा आपका जाखी का गांव, और ऊपर है गवाना गांव। यहाँ की ये सिंचाई वाली खेती है, जहाँ पर आपका गेहूँ चावल लाई बोले तो सरसों खेती होती है, साथ में आलू वगैरह जो भी है सिंचाई वाली फसलें होती हैं। और ये हमारी छोटी टोली गांव गांव के भ्रमण पर निकल चुकी। अभी हम जाखी गांव में पहुंच चुके हैं दोस्तों।
जो ये आसपास आप देख पा रहे हैं ये जाकी गांव के इस मंदिर से दिखाई पड़ता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।